कानून सिखा रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग 5 या 6 साल से हम लोग भी पॉलिटी पढ़ते हैं, इतना तो हमें भी समझ में आता है कि कोई थ्रेट और परसेप्शन होता है तब लगाया जाता है। उन्होंने क्या किया कि अपना सेक्शन 144 लगा के बोला कि आप लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, आप लोग जाइए। मैम मिली हुई परमिशन हटा दी, काट दी और उसका सेक्शन 144 का बहाना बना दिया। जबकि एक पुलिस वाला बोलता है कि ट्रैफिक का मूवमेंट है, दूसरा बोलता है सेक्शन 144 है। हमारे में से किसी ने पूछा कि सर आप पहले खुद तो क्लियर हो जाइए कि ट्रैफिक मूवमेंट की प्रॉब्लम है कि सेक्शन 144 की प्रॉब्लम है। तो उनको खुद नहीं पता, बस उनको हटाना था क्योंकि उनको पता था कि ये यूपीएससी का गढ़ है जो ओल्ड राजेंद्र नगर है। अगर यहाँ पे मामला होता या मुखर्जी नगर में होता, कल तो वारंट उठ भी गया था, 1000 लोग हमारे साथ थे, सबकी डिमांड थी। तो ये तो ये जान बूझ के बस आवाज दबाने वाली बात है। मैं अपनी बात की शुरुआत, मैं सुभाष ठाकुर मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। मैं अपनी बात की शुरुआत में राम मनोहर लोहिया जी को कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कभी कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो हम भी उन्हीं की पंक्तियों को चरितार्थ करने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र में पहले प्रेयर करते हैं, फिर पिटीशन, फिर आखिरी होता है प्रोटेस्ट। तो हमारे लिए भी आखिरी ही है। यदि लोकतंत्र में 150 सांसदों की चिट्ठियों का कोई महत्व नहीं है, संसदीय समिति जिसको मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है उसकी रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का कोई महत्व नहीं है, 200 से ज्यादा बड़े बड़े ट्विटर हैंडल से हमारे पक्ष में ट्वीट हुए, ये 150 सांसदों के द्वारा लिखी गई चिट्ठियां हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और जितेंद्र सिंह जी को संबोधित करते हुए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दो फैसला जिसमें हमारे फेवर में है। सुप्रीम कोर्ट एक में कहता है कि लेनियत को रखा जाए और एक में कहता है कि सरकार 2 सप्ताह के भीतर संसदीय समिति की जो रिपोर्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए इस पर विचार करे। ये कोर्ट में सरकार ने कहा था एक समय 2021 में कि ये जिनका आखिरी अटेम्प्ट है उनको हम एक मौका देने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम टलवाने के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की, हमारी तैयारी पूरी नहीं है, जो अभी की परिस्थिति उस समय की जो परिस्थितियां थी जान बचाना मुश्किल था। सरकार हमसे उम्मीद कर रही है कि हम तैयारी करें और एग्जाम को क्रैक करें, तो हम चाहते थे कि सरकार एग्जाम को थोड़ा डिले करे ताकि जो कोरोना का जो वेव है वो थोड़ा कम हो तो हम अपनी तैयारी ठीक से करके फिर एग्जाम में बैठे। तो सरकार ने कहा कि नहीं, हमारी एग्जाम की तैयारी पूरी हो चुकी है, हम इसको रोल बैक नहीं कर सकते, लेकिन जिनका आखिरी अटेम्प्ट है उनको एक अटेम्प्ट देने पर विचार किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम 4 अक्टूबर को कंडक्ट हो गया, सरकार ने यूं टर्न लेते हुए कहा कि इट इज नॉट फिजिबल। तो लोकतंत्र में यदि जनता जो चाहती है उसी के अकॉर्डिंग नीतियां बननी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग कानून बनने चाहिए। लेकिन हाल ही में एसएससी को ये रिलैक्सेशन मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल
मैं वही बात करना चाहता हूँ कि स्टाफ सिलेक्शन को 3 ईयर्स का एज ले लगा, हम कल से चिल्ला रहे हैं इसलिए आवाज बैठी है, कल स्टाफ सिलेक्शन को 3 ईयर्स का एज रिलेक्शन दे, अटेम्प्ट भी दे दिया 80 से भी ज्यादा स्टेट से इंडिया और जहाँ कोविड रिलेक्सेशन दे दिया, यानी कि उनके लिए करोना था हमारे लिए करोना नहीं था। 4 अक्टूबर 2020 के पहले जितेंद्र सिंह जी बोलते कि जिनको कोविड इन्फेक्शन है वो बाद में एग्जाम दे सकते हैं और फिर बोलेंगे नहीं नहीं इट इज नॉट एलिजिबल नाउ। सुप्रीम कोर्ट गए 2 साल तक वहाँ बैठ गया, वहाँ सुप्रीम कोर्ट बोले शो सम लेनी, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट भी अभी देख सकते हो, दीज आर द वन की उनके रिकमेंडेशंस थे, सुप्रीम कोर्ट का भी आप देख सकते हो कि रिकमेंडेशंस उन्होंने बोला कि डीएसआरसी कमेटी की रिपोर्ट को आप इंप्लीमेंट कीजिए, उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स के लिए आप लीनियंट व्यू रखिए, वो दोनों चीज की रिकमेंडेशंस की बात भी गवर्नमेंट कहती है कि हम नहीं दे सकते। एसएससी जीडी डीओपीटी के अंदर आता है, यूपीएससी भी डीओपीटी के अंदर आता है, ऑन अ वन साइड आप एक चीज के लिए एक आप सेक्शन के लिए आप दे रहे हो कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन, दूसरे के लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्डली आप कह सकते हो भाई दिस इज नॉट आवर फॉल्ट, हम कर ही नहीं सकते, कर क्यों नहीं सकते बस उस चीज को नहीं बताते। हर कोई भी ऐसा माध्यम हमने नहीं छोड़ा होगा जहां तक हम ना गए, चाहे वो हमारा पार्लियामेंट था, चाहे वो हमारा पीएमओ सेक्शन था, चाहे एमपीज एमएलए मिनिस्टर्स से मिलने की बात थी, चाहे कितनी भी एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स थे, सब जगह पे हमें सपोर्ट मिला। पार्लियामेंट में भी इस बात को बहुत बार उठाया गया, लेकिन उसके बाद बार मुद्दे को उठने के बाद भी गवर्नमेंट उस चीज को सुनने पे नहीं आई। आप देख सकते हैं अपने सारे लेटर्स, अपॉर्चुनिटीज साल 2014 में यूपीएससी मुद्दे पे राहुल गांधी जी ने छात्रहित में फैसला लिया था। अब मोदी सरकार से एक ही विनती है, उनको हर चीज पता है, यूपीएससी जो भी हमारे मुद्दे है उसको वो पूरा करें। मैम देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, अपॉर्चुनिटीज को बीजेपी ने बहुत खत्म कर दिया है, जिसको मैं एक तरीके से बोलता हूँ कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। आपको लगता है पॉलिटिसाइज हो गया पूरा इशू? मैम पॉलिटिसाइज तो नहीं हुआ है, बट डेफिनेटली दे आर टेकिंग इट ऑन अ पॉलिटिकल मैटर, एक बहुत ही जेन्युइन मैटर को वो पॉलिटिसाइज करा जा रहा है। वैकेंसीज को लगातार 2014 से बहुत ज्यादा घटाया गया है, 1400 को वैकेंसीज आती थी 2014 में, अभी के टाइम पे अराउंड 700 आ रही है। अगर आप एक वैकेंसी भी कम करते ना तो प्रीलिम्स जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें अराउंड 600-700 कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। मान लीजिए अगर आपने उतनी ही वैकेंसी रखी, और सबसे बड़ी बात है कि आपने जब पार्लियामेंट में रिपोर्ट सबमिट किया है तो आपके 23,000 वैकेंसी है, 23,000 वैकेंसी के रूप में अभी, और दूसरी तरफ आप बोलते हो, और अभी क्या हुआ कि एसएससी सीजीएल में 7,000 वैकेंसी होने एवरेज आ रही है, इलेक्शन का टाइम है, अचानक से बढ़ा के 40,000 वैकेंसी, ऐसे कैसे हो गया कि रातों रात वैकेंसी उनकी 5 गुना 6 गुना खाली है? ये मुझे साफ साफ मैम पता चल रहा है कि इनको जेन्युइन मामले से लेना देना नहीं है, कि जेन्युइनली कितना परेशान हो, कोविड हार्डशिप को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कर रही है, उनके पास जो कुछ फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस आए होंगे ना। मैडम सीधी सरल सी बात है, मैडम हमसे अटेम्प्ट मांग रहे हैं, नौकरी भी मांग रहे हैं, मतलब कई लोगों ने अपने लोगों को खोया, मतलब मैंने मेरे भाई को खोया, मेरे बड़े पापा शान, इसके अलावा मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, शिवराज सिंह जी ने वहाँ एज रिलैक्सेशन दिया, हमारा स्टेट्स एसएससी ने दिया, फिर यूपीएससी हमारे साथ क्यों कर रहा है, मतलब सिर्फ हम एग्जाम लिखने की परमिशन मांग रहे हैं, ईमानदार रियाज मांग रहे हैं मोदी जी से, प्लीज मतलब आई बैक, मतलब एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दीजिए, मतलब इससे हम ईमानदारी से हमारा 100% देंगे। मोदी जी से एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग है तो नहीं मिल पा रहा है जितेंद्र सिंह जी, आपसे उसे एक सवाल पूछे कि 18 से 18 स्टेट में जहाँ रूलिंग स्टेट की बहुत ज्यादा बीजेपी है, वहाँ अगर आप अटेम्प्ट दे सकते हो सब, और यहाँ आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर एसएससी को अटेम्प्ट दे सकते हो, हम यूपीएससी वालों ने आपका क्या बुरा किया है? आप ये सवाल इतना खासा एक सवाल उनसे पूछिए, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है शो सम ले रहे थे, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी बोल रहा है इनको दीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? एक्चुअल में जो गवर्नमेंट के भरोसे थे, गवर्नमेंट ने कहा था कि हम एडवर्स स्टैंड नहीं लेंगे इनके, लेकिन एडवर्स स्टैंड ले लिया बात, हमने एग्जाम दिया नहीं, मेरे 2020 का हूँ उस टाइम पर, मैं तो यहाँ पे था नहीं, फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करता हूँ मैं, कुछ लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि हम प्रिपेयर नहीं है और हम कोविड अफेक्टेड है, हमें इस टाइम पे हम एग्जाम नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, डीओपीटी ने कहा ठीक है, हम एडवर्स स्टैंड नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर हम आपके बारे में सोचते हैं, हम आपको अटेम्प्ट देंगे, लेकिन जवाब ना एडवर्स स्टैंड है बिल्कुल नहीं दे रहे, तो एडवर्स स्टैंड तो है वो, तो एडवर्स स्टैंड ले रहे हैं, जब उन्होंने कहा नहीं लेंगे लेकिन ले रहे हैं, हमें उनसे कहते हैं कि हमें दो अटेम्प्ट दीजिए, हमें कंपनसेट कर दीजिए उस अटेम्प्ट का, अदरवाइज जो हमने लास्ट किया था उसको कंपनसेट कर दीजिए। फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे है बच्चों में कि एक एक घर में 4-4 मौतें हो चुकी है, फिर भी बच्चा चुप बैठा है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये तरीका सरकार का सही है, हर बार आप इंजस्टिस करोगे और हम हमको बोलोगे नहीं नहीं कंटिन्यू तरीके से करो, कंस्टिट्यूशनल तरीके से करो, 2 साल गया, फ्रस्ट्रेशन पीक पे पहुंच चुका है,
हम कंट्रोल नहीं कर सकते अपना प्रशासन। अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आए हैं, कोई दिल्ली के अलावा से क्या जरूर यहाँ पर बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश से। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और देखिए अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग आए हैं जनता मंचल पर, कोई स्कूल में तो अपना यहाँ पर टाइमली पर बात करना चाहता है, अपनी बात कहने आए हैं। क्या है आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, टाइम निकाल कर आए हैं, क्या है आपका दर्द? दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र सेम का सेम वही हमारे भी पॉइंट है, सबको मतलब कंपनसेशन से दिए दो अटेंट जो सबको दिए गए थे, क्योंकि कोविड के दौरान जिसके जिसके लॉस हुए हैं तो वो क्या है फिर से उसको रिकवर करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम देख रहे हैं 2010 में सीसेट को क्वालिफाई किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था, तो मतलब इसमें हम ये चाहेंगे कि इसमें जो दो अटेम्प्ट जिसके जिसके लॉस हुए हैं उनको दिया जाए, क्योंकि मैडम ये होल ईयर प्रोसेस रहता है जो, तो हम देख रहे हैं जैसे कि लंबे समय से प्रिपरेशन करेगा काफी ज्यादा हम लोगों में डेप्रिशिएशन आ जाता है, सबके अंदर फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे मैडम गवर्नमेंट से, हमारी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट हम लोगों को अटेम्प्ट दे। क्या लगता है कैसे होगी इसकी भरपाई, जो अटेम्प्ट जो है मिला नहीं है, काफी वक्त बीत चुका है, लीनियंट व्यू का नाम दिया गया लेकिन असल में कोई लीनियंट व्यू नहीं लिया गया, क्या लगता है आपको? ये तो बहुत हद तक कॉन्फिडेंस की बात है, पैसे की बात है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन संविधान दिवस भी है, तो क्योंकि हमारे जो मीन्स है वो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल रहे हैं, हमेशा हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से इस चीज़ को अपनी डिमांड को पुट अप कर रहे हैं, और जो भी तरीके है वो एग्जीक्यूटिव स्टेज हो या फिर लेजिस्लेटिव हो या जुडिशियल हो, सारे फ्रंट में हम लोगों ने अपनी बात को डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली रखा है। उसके बावजूद अगर इस तरीके की बात सिर्फ इसलिए नहीं मानी जा रही क्योंकि हम उतने बड़े नंबर नहीं है या हम उतना बड़ा वोट बैंक नहीं है या फिर हम उस तरीके से उग्र नहीं होते जिस तरीके से और लोगों ने उग्र हुए और रेलवे वालों ने अपनी बात मनवा ली, SSC GD वालों की बात मान ली गई, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ नंबर, इसका मतलब इसलिए हम लोग को बस मनीष नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अलग अलग जो प्रदर्शन जो उग्र हुए उनकी आप यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये पढ़कर बता दीजिए एक बार लोगों को कि बड़े शांति से UPSC के स्टूडेंट जो है काफी वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज पहली बार नहीं है मुखर्जी नगर में और राजेंद्र नगर में, और जैसे आप बता रहे हैं 2.5 साल और भी कोई स्टूडेंट्स हैं तो बात करना चाहेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले 3-4 बार ऐसा हुआ है, 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी तब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट और रिलैक्सेशन दिया गया था, फिर जब मंडल आयोग के बाद ओबीसी रिजर्वेशन आया तो 1992 में रिलैक्सेशन दिया गया, फिर तब 2011 में सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ उसके कारण जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको 2014 में कंपेंसेट करके 2 अटेम्प्ट बढ़ाया गया और 2 साल एज रिलैक्सेशन, 2 साल का एज एज। अब क्या लगता है इस बार यूपीएससी वालों के लिए क्यों नहीं और जबकि कोविड जो है वो अपने चरम पर? इस बार तो हम लोग जो बात कह रहे हैं वो यूं ही नहीं है, हमारे पास पुख्ता सबूत है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, संसदीय समिति की रिपोर्ट कह रही है, 150 सांसदों की चिट्ठियां हैं, 200 से ज्यादा बड़े बड़े ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुए हैं, इतने सारे के बाद भी अगर सरकार थोड़ा सा करुणा नहीं दिखा रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 2014 और 2019 में हम छात्रों ने ही हम युवाओं ने ही आपको सड़कों पर बिठाया था, इसलिए कुछ ऐसा कर जाइए कि पीढ़ियां आपको याद रखे, हम लोग ताऊ और आपको जब तक रहेंगे, नहीं तो 2014 में हम लोग कोई स्टैंड लेने पर मजबूर हो जाएंगे। ये सत्ता किसी की सदी नहीं होती, आज आपके पास है कल किसी और के पास था परसों किसी और के पास होगा, राहत इंदौरी ने लिखा है कि तुमसे जो आज साहिब मसनद है कल वो नहीं होंगे, किराएदार है जाति मकान थोड़ी है, तो कुछ ऐसा कर जाइए माननीय प्रधानमंत्री, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, आपके एक हस्ताक्षर से लाखों छात्रों की जिंदगियां बदल जाएंगी, हमारे अंदर फिर से उम्मीद की संचार निकल उठेगी, न तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना है, न तो पार्लियामेंट में बिल लेकर के आना है, सरकार एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके ऐसा कर सकती है, बस इच्छा शक्ति दिखाइए माननीय प्रधानमंत्री जी। क्योंकि हम वोट बैंक नहीं है, हम बहुत बड़े वोट बैंक है, हम भले ही हमारी संख्या यहाँ मुट्ठी भर सरकार को भी दिख रही होगी, लेकिन मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि गांधी जी जब दांडी मार्च के लिए निकले थे केवल 78 लोग उनके साथ थे, लेकिन बाद में क्या हुआ इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इसलिए हम 101 लोग 100 पर भारी हैं, हम पढ़ी लिखी जनता हैं, सरकार हमको हल्के में न ले, और बहुत बड़ा वोट बैंक है मोदी जी, यहाँ से जो चिंकारी भरके गई फिर वो पता नहीं किस रूप में आगे बढ़ेगी, इसलिए अभी भी वक्त है, हम 24 तक इस दर्द को लेकर के नहीं जीना चाहते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है कि मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या दिल की, फिर प्याम मिट गया जब मिटने वाला फिर सलाम आया तो क्या दिल की बर्बादी के बाद उनका प्याम आया तो क्या, आप 24 में देकर ही क्या करेंगे, 21 में जिनका अटेम्प्ट खत्म हुआ है 20 में खत्म हुआ है उनको आप 24 में देकर के भी क्या
करेंगे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड अंग्रेजी में कहावत है। देना है मदद, अगर सही समय पर दी जाए तो वो मदद है, वरना वो मदद नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी बस थोड़ा सा इच्छा शक्ति दिखाइए। अब खुद जितेंद्र सिंह जो कंसर्न मिनिस्टर है उनसे मिल के आए। मैं कैमरे के सामने ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने बोला कि कोई फायदा नहीं होगा पैर छूने से। हमने बोला सर आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, आप स्टूडेंट हैं, एक सामान्य शिष्टाचार है। उन्होंने बोला शिष्टाचार दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद का भी एग्जाम हो चुके हैं, इसके बाद एग्जाम हो चुके हैं, किसी में हो चुके हैं, कुछ नहीं करने वाले आप लोग जाइए। तो ये मतलब बिल्कुल भी सिंपथेटिक नहीं है हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी। और हमें तो इतना भरोसा है कि हमारी बात यदि प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए तो वो इतने निर्मम नहीं है, हमारी मांग सुन ली जाएगी। लेकिन जितेंद्र सिंह जी रोड़ा बने हुए हैं बीच में, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, छाते ठोक कर कह रहा हूँ। और जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड और काफी 2 साल से ज्यादा का वक्त जो है वो बीत चुका है। और कुछ आपको क्या नाम